डेना 70 टॉप ऑफ द लाइन डेना 70 HD विद 80 इंटरनल्स डिपेंडेंट और इसमें सॉलिड एक्सल में मूव्ड है। यहां जो थार रन करते हैं उनको पता होगा कि फ्यूल टैंक जो गाड़ी का वो लेफ्ट 8 बोल्ट यहां सेमी फ्लोटिंग आता है, ये इसके अंदर गियर चलता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट हैवी ड्यूटी और 54 भी डालते हैं इसमें मिकी थॉम्सन। हां मिकी थॉम्सन, फिर वो पूरा अलग सेटअप हो जाता है। और एक रैंगलर भी भैया के पास प्रोजेक्ट आ रखा है, वो उसमें डेथ वॉबल है स्टॉक रैंगलर में। स्टॉक रैंगलर में अभी इसमें ट्रिपल बाईपास डलेगा। अभी इसका मैक्सिमम फ्लेक्स 13 इंचेस है, इसको हम 16-18 कहीं भी ले जा सकते हैं। हाँ जी भाइयों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ये व्लॉग काफ़ी अवेटेड था और आज हम गाड़ी की डिलीवरी भी ले रहे हैं और ऑफ रोड भी कर रहे हैं, लेकिन आपको रिव्यू बताना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी में क्या क्या किया, क्यों क्यों किया। गगन पाजी आ गए हैं। पाजी जी, मज़ा आ गया। क्या है ये, हमारा क्या पर्पज़ था ये और कैसे है सब? बेसिकली अभी रॉक क्रॉलर बताइए, अभी ये जो सब किया इसने अभी बिना लॉकर के किया, अभी इनिशियल टेस्टिंग है इसकी। लॉकर लगाएंगे थोड़ा टाइम बाद सब कुछ चेक करके। इसमें डेना 70 टॉप ऑफ द लाइन डेना 70 HD विद 80 इंटरनल्स मैनुअल हब्स हैं यूकॉन के। ये गाड़ी बनाना एक तरफ, एक चीज़ स्पेशल है, इसके सारे इलेक्ट्रिकल्स चालू कर दिए, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल सब वायर्स वगैरह, स्पीडोमीटर सब चालू है इसका, नॉर्मल गाड़ी की तरह चल रही है। दिस इज ओरिजिनल हाँ, लाइक फ्रॉम कंपनी जो आती है गाड़ी वैसे है, मतलब कोई जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं हटा इसमें। 5.13 रेशियो है टॉर्क, दिखा देना वीडियो में कैसे इसका इंजन बम है जो हमने इंक्लाइन किया, आप बोल रहे थे लो में होता है हाई में। हाँ, इधर एक इंक्लाइन है वो हमारा लो में ही होता है, ये हाई में चढ़ी और वो भी आराम से बिना एक्सलेटर के। क्या फर्क है भैया? इंडिपेंडेंट फ्रंट, इंडिपेंडेंट और इसमें सॉलिड एक्सल में। अब ये आप देखो जहाँ ये खड़ी है इंडिपेंडेंट के लिए बॉडी, और ये 14 इंच टायर से इंडिपेंडेंट के लिए सब डिफिकल्ट है। फिर ये हमने रॉक के लिए ये लगाया प्रोटेक्शन, ठीक है, और ये हमारी स्टीयरिंग रॉड्स हो गई, ये क्रोमोलियंस हो गए हमारे, ठीक है। हाई स्टीयर जैसे मैंने बताया कि इस पे लोड ना आए, नकल डबल शेयर, हाँ डबल शेयर स्ट्रेस मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया स्ट्रेस। ये टायर हम ये अच्छा, इसका व्हील बेस हमने बढ़ाया है, ओरिजिनल थार का 95 होता है, 105 है, 105 10 इंच 5 इंच अगले टायर आगे लिए, 5 इंच पिछले। तो पीछे से मैं दिखाता हूँ एक बार, अगर टायर आगे ना लेते तो ये अभी लग रहा होता फेंडर में ना, ये पीछे है टायर, क्योंकि इधर फ्यूल टैंक आता है, लिड आती है आपकी, वो रिमूव्ड है यहाँ। जो थार ऑन करते हैं उनको पता होगा कि फ्यूल टैंक जो गाड़ी का वो लेफ्ट में अभी आता अच्छा है। ये पूरे फ्लेक्स पे नहीं है अपने, अभी पूरा होगा ना, पूरा जाता है, और जब 43 डालेंगे तब शायद लिमिट करना पड़ेगा फ्लेक्स, लिमिट करना पड़ेगा। और अब इसमें ये हमने फेंडर स्पेशल डिज़ाइन किया है, देखो 40 बिल्कुल क्लियर है, 43 भी क्लियर होंगे, बस वो लिमिट करनी पड़ेगी। ये स्टडलेस हब्स होते हैं हमारे, जैसे किसी ने डाना 44 देखा होगा उसमें बोल्ट आते हैं पीछे 8 बोल्ट, यहाँ सेमी फ्लोटिंग आता है, ये इसके अंदर गियर चलता है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट हैवी ड्यूटी अवेलेबल। ये फिर हमारा टायर कैरियर हैवी ड्यूटी 43 इंच टायर्स के लिए डिज़ाइन किया हमने इसको। ये पीछे ना जुत्ती टांगी है, पंजाबी में कहते हैं, इसे नज़र नहीं लगती। और ये तो वही सेम अपना चेसिस से पूरा स्ट्रेंथन करके इसे कैसे भी उठा लो आप, जो सारे टो पॉइंट्स हैं MMG के वो सारे जो हैं रिकवरेबल पॉइंट्स हैं। ये टेस्ट करा अभी हमने, हाँ ये टेस्ट करा है रॉक से, मतलब प्रॉपर रॉक स्लाइडर है, नॉट फॉर शो ऑफ, और कई लोग बोलते हैं हमारा रॉक के लिए, बट ये प्रॉपर है, जैसे अभी निकली गाड़ी तोड़ दो और फ्री ले जाओ। और क्या है भैया इसमें एक्सल्स कौन से यूज करे हैं? एक्सल्स क्रोमोली एक्सल्स है, फ्रंट एंड रियर। एक्सल का साइज है वो भी आप पिक्स में दिखा देना। फिर आगे थ्री लिंक सेटअप है। अच्छा हाँ, इसमें सबसे जो थार में हमने चेंजेस किए हैं, ये अब रियर 4 लिंक में है, इसका फ्यूल टैंक पीछे शिफ्ट कर दिया हमने, और जो इसका DPF है वो पीछे अंदर लिया है, पूरा प्रॉपर बंद करके बॉक्स बना बेड बना के। हाँ, और स्टेज 2 ट्यून्ड है, बाकी मेरे ख्याल से 175 BHP, बट पावर गाड़ी क्या 40 को तो कुछ समझ ही नहीं रही है। तो इसका जो हमने बम्पर है ये हमने अप्रोच एंगल के लिए लगाया है, ऐसा ये तो क्लियर है ना, जैसे यहाँ रॉक पे हिट करे, इससे आगे टायर नहीं है हमारा, ये सब वही बम्पर था, पूरा रीडिजाइन किया इसके लिए, और मतलब यहाँ से जैसे रॉक हिट करी सीधा स्लाइड होके टायर पे आएगी, यहाँ से करी सीधा नीचे आएगी रॉक, तो गाड़ी कहीं रुके नहीं। तो इसमें हम लॉकर्स कौन से डालने वाले हैं? लॉकर्स देखो
अपना एयर लॉकर डालेंगे एआरबी के, तो बट वो टेस्टिंग के बाद, ये सब पहले इनिशियल। अभी ये सब बिना लॉकर के है, लॉकर होता है ग्लास चूल, अब ये फ्लेक्स करता है सब कुछ। जो ये पहले 5 इंच पे थी वो क्या था, वो एमएलडी बीएलडी के सहारे थी क्योंकि फ्रंट इंडिपेंडेंट था, पटक के फेंकता था एमएलडी। हाँ हाँ, और एकदम से झटके मारेगा पीछे, चलो उसका फ्लेक्स अच्छा था बट आगे इंडिपेंडेंट सब खराब कर देता, यहाँ नहीं चढ़ेगी ऐसी जगह पे ना वो। और ये इसके लिए कुछ भी नहीं है, और ये डिफरेंशियल्स काफी हैवी ड्यूटी है, 44 भी इसके लिए कुछ नहीं है, तो 40 या 43 डाल दें, और 54 भी डालते हैं इसमें मिकी थॉम्सन। हाँ मिकी थॉम्सन, फिर वो पूरा अलग सेटअप हो जाता है, वो फिर ये सब कटेगा, वो पूरी एक्सट्रीम हो जाएगी। तो ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? बहुत अच्छी, वो आप बताओगे? नहीं आप, आपने भी तो चलाई है। कंट्रोल बहुत अच्छा है गाड़ी का, पिकअप बहुत अच्छा था। गाड़ी की ऑन रोड परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए है, स्वे बार कनेक्टेड है, सॉलिड एक्सल बंदा है डेथ वॉबल के लिए। आप बताओ कैसी थी? भाई मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इसको रोड पे चलाना, पर हाँ है ऑफ रोड मशीन। मैंने भैया ने ये जिमनी में थे, मैं वीडियो भी यहाँ डालूंगा, वी वर ऑन 100+ और वॉबल नामो निशान नहीं, और एक रैंगलर भी भैया के पास प्रोजेक्ट आ रखा है, वो उसमें डेथ वॉबल है स्टॉक रैंगलर, स्टॉक रैंगलर में। वो नहीं, वो भी डेना 70 हो रही है, और अब तो काफी गाड़ियां हो रही है डेना 70, डेथ वॉबल नहीं है। भैया ने पहले आते हुए चीज पूछी डेथ वॉबल मार रही है, मैं कहा भैया नहीं, और 40 इंच के टायर पे डेथ वॉबल चेक करने के लिए हमने स्टीयरिंग स्टेबलाइजर भी हटा रखा है। गाड़ी का कंट्रोल नो डेथ वॉबल, कंट्रोल पूरा सब कुछ अच्छा है इसका, मतलब बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी की तरह ड्राइव है। 40s मतलब लग ही नहीं रहे 40s चल रहे हैं। अब जैसे ऐसी जगह पे आए हमने, ये हमारे सारे क्रोमोली एंड्स है, ये हम 5 इंच में भी डालते हैं, उसमें भी हमने स्टीयरिंग रोड हैवी दिए, हाई स्टेयर, इसमें हाई स्टेयर है, कोई स्ट्रेस ना आए किसी चीज पे, नहीं होता हाई स्टेयर। ABS की वायर्स हो गई, ये हमारे स्वे बार के लिंक्स हो गए कनेक्शन के लिए, ये स्वे बार लगी हुई हमारी, ये स्वे बार है अभी डिसकनेक्टेड है। ये फर्दर प्लान्स क्या हैं? हाँ इसके अंदर अभी शॉकर्स हैं क्योंकि थोड़ा डिले था, सामान पहले बहुत लेट हो गया था, अभी इसमें ट्रिपल बाईपास डलेगा। अभी इसका मैक्सिमम फ्लेक्स 13 इंचेस है, इसको हम 16-18 कहीं भी ले जा सकते हैं, बट अभी इसके साथ डालेंगे ट्रिपल बाईपास। और इसमें ये जो है इसे बोलते हैं किंग पिन ओपन नकल, किंग पिन क्लोज नकल में आता है, बट ये सबसे हैवी स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग पिन, इसलिए कोई डेथ वॉबल नहीं इसमें कुछ भी। और मतलब ये हमारा इतना बड़ा प्यार था कि हमने कहा भैया थार ऐसी होगी ऐसी होगी, और बिल्कुल आज मतलब पेशेंस रखनी पड़ती है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, टाइम लगता है। जैसे अभी इस पर हमने टाइमलाइन सोची थी कि नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, बट छोटे छोटे काम है ना, गाड़ी रेडी हो गई थी, फिर वो करते करते टाइम आगे जाता है, बट ये है कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा अभी भी लॉकर से डाले, अभी जैसे टेस्टिंग हुई है, ओपन डिफरेंशियल को टेस्ट करना चाहते हैं हम पहले, कि उसके बाद कैपेबिलिटी कहाँ तक जा सकते हैं। इंजन Hats off to Mahindra. अगर Mahindra से कोई टीम देख रही है इस वीडियो को तो मैं प्रेज करता हूँ, और मैं और भैया बात करते रहते, काफी फाइन प्रोडक्ट बनाया Mahindra ने। बाकी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम तो काफी लगता ही है, लेकिन पेशेंस भैया ने जैसे बोला रखनी पड़ती है, क्योंकि सामान भी बाहर से आता है, सब कुछ आता है, और काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यार ये चीज जो है ना इसको कवर करो, और या इसको कवर करो, फोटो वीडियो में गाड़ी जस्टिफाई नहीं होती। अभी आप देख रहे थे गाड़ी, अब भैया खड़े हुए हैं तो देखो गाड़ी की हाइट कहाँ आ रही है, अगर ये इसमें गैप नहीं होगा तो ये जो है ना टायर फेंडर फाड़ के बाहर निकल जाएगा, 43 लगने वो पूरे यहां। हाँ तो मतलब ये जो गाड़ी है ना ये इस पर्पस के लिए है, ये मतलब दूसरी चीज के लिए नहीं, सॉरी टू से। बाकी लुक्स तो अच्छी आ ही रही है, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस देखो, फेंडर डाउन कर देते तो ये फाड़ के बाहर निकल जाती। तो काफ़ी लोग अमेरिका से भी प्रेज़ कर रहे हैं, 2-3 कमेंट्स मैंने पढ़े जो बाहर से हैं, और उस लेवल की ये गाड़ी बनाई है। परफॉर्मेंस के लिए वेट करो, टाइम लगेगा, अच्छे ट्रैक्स ढूंढने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस जाना पड़ेगा, फिर समझ आएगी भैया ये क्या है। फोटो में मैंने जब देखी मुझे समझ नहीं आई, फिर लाइव में जब आके देखी फिर समझ आई। और भैया एक बात बताने भूल गए, इसमें हमने वर्किंग बोनट स्कूप बनाया जो कि बहुत सुंदर है, और उसमें बहुत मेहनत लगी है। कहाँ है बताओ? रेडिएटर पूरा ऊपर ले लिया क्योंकि हमें अपना सॉलिड एक्सल वर्क। मैं बता रहा हूँ हमने चढ़ना पड़ेगा मेरे को, और मेरा 4x4 लोने डला, और काफ़ी सुंदर बोनट स्कूप बना है, और ये जो है सारा वर्किंग है, एयर इंटेक यहाँ पे सब कुछ है। टॉप हमने आर्मोरो का यूज़ करा है इसमें, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है उसकी, और पिछले टायर का फ्लेक्स देखो, वहाँ से चल के स्पेशली आया हमको फ्लेक्स दिखाना है, देखो फ्लेक्स। और अगर अभी पूरा नहीं है क्योंकि पत्थर छोटा पड़ गया, तो ये देखो भाइयों मेरे, ये देखो फ्लेक्स। गगन भैया एक मिनट खड़े हो जाओ यहाँ पे प्लीज, ये फ्लेक्स देखो बिना लॉक करके, और ये जुत्ती की वजह से गाड़ी बची हुई है, खड़े हो जाओ भैया।
अब बताओ 40 इंच का टायर है अपने गगन भैया अभी ऐसे बिल्कुल शोल्डर शोल्डर खड़े हैं।